राजनीतिक समूह है और हमारा कार्यकर्ता हमारी पार्टी की ताकत है। आज बैठक की है संगठन की, क्या क्या काम हम लोगों ने अब तक किए हैं उसकी समीक्षा हम लोगों ने की है और अंतिम दिन तक मतदान तक जो जो काम हमें करने हैं उसमें बड़ा एक काम अपने मतदाताओं से जनसंपर्क का। तो जनता उत्तर प्रदेश की समझ चुकी है, कांग्रेस की पूरी पार्टी कांग्रेस को अब कोई गंभीरता से उत्तर प्रदेश में लेता नहीं और पूरी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से पलायन कर चुकी है। चुनावी सफर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आप अमेठी आए हुए हैं और स्मृति ईरानी के प्रचार में यानी कि संगठन को मजबूत करने, कैसे बूथ अध्यक्ष तक मैनेजमेंट हो, कैसे लोग निकलकर वोट करें, चूंकि 20 मई को यहां पर वोटिंग है, इन्हीं सब बातों के लिए एक संगठनात्मक बैठक अध्यक्ष जी ने किया है। सर, आज आप अमेठी हैं, संगठनात्मक एक बैठक आपने ली है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया और किस तरह की बैठक आपने किया? जैसे मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक विचारधारा से जुड़े लोगों का एक राजनीतिक समूह है और हमारा कार्यकर्ता हमारी पार्टी की ताकत है और हम हमेशा अपने कार्यक्रम अभियान चुनाव या जो भी काम जनसंपर्क के हों, हमारे वैचारिक विषय हों या हमारी पार्टी के संगठनात्मक विषय हों, हम अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर ही करते हैं, उनके काम का विभाजन करके ही करते हैं। संगठन की दृष्टि से हमारे लिए आज बूथ अध्यक्ष तक, बूथ की कमेटी तक भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है और हम लोगों ने आज बैठक की है संगठन की, तो क्या क्या काम हम लोगों ने अब तक किए हैं उसकी समीक्षा हम लोगों ने की है और अंतिम दिन तक मतदान तक जो जो काम हमें करने हैं उसमें बड़ा एक काम अपने मतदाताओं से जनसंपर्क का है, उनसे मिलना जुलना है। तो वो जनसंपर्क को घर घर जाकर अपने पत्रक देने हैं, लोगों से बातचीत करनी है, हर वोटर को टच करना है और फिर उन्हें मतदान के लिए निकालना है। ये पूरी हमारी रचना है और उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज इस काम में लगा है और हम सफलतापूर्वक अपने अभियान को निश्चित रूप से पूरा करेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में जो पार्टी का हमारा संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश उसे पूरा करेगी और बड़े अंतर से अमेठी स्मृति ईरानी जी चुनकर दूसरी बार संसद में जाएंगी। सर, 10 साल पहले देखा जा रहा था इसी अमेठी में, या हम रायबरेली की बात करें, अमेठी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की कमी होती थी। आखिर इन 10 वर्षों में किस तरह बीजेपी ने अपने आप को दुनिया की नंबर एक पार्टी बनाई कि आज आप लोग अमेठी में न कि कार्यकर्ता आपके खुलकर सामने आए हैं, वहीं पर आप लोगों ने अमेठी जीत भी लिया है? निश्चित रूप से हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 10 वर्षों में काम हुए, योगी जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी के उत्तर प्रदेश सरकार में 7 वर्षों में हमने काम किए, उन कामों के आधार पर और हमारी योजनाओं का जो लाभ लोगों को मिला है बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी भ्रष्टाचार के, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास, इस सिद्ध फार्मूले के आधार पर अमेठी में भी, रायबरेली में भी, सब जगह मोदी जी के प्रति देश में लोगों का विश्वास है और विश्वास के आधार पर ही जो परिस्थिति आप देख रहे हैं उस हमारी सरकार के कामकाज और हमारे नेतृत्व के प्रति जो लोगों का विश्वास है उसके आधार पर बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ हैं। राहुल गांधी सर अमेठी छोड़ के रायबरेली चले गए, जैसा प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था कोई सुरक्षित सीट राहुल गांधी तलाशेंगे, इसी के अनुसार वो रायबरेली गए हैं, अमेठी छोड़ दिया। अमेठी में केएल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह की चुनौती आप मानते हैं? नहीं, आपने देखा होगा किस प्रकार राहुल अमेठी से भयभीत होकर चले गए और सुरक्षित, जहां तक क्षेत्र का उनके लिए रायबरेली भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की गतिविधि है पिछले समय, आप 2019 में लोकसभा का चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी एक बार भी अमेठी नहीं है, उनकी माताजी रायबरेली से चुनाव जीतने के बाद एक बार भी रायबरेली नहीं आई, वो किसी के दुख में, दर्द में, शादी में, विवाह में, अच्छे में, बुरे में, उनसे कोई मतलब नहीं। और श्रीमती सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई, प्रियंका गांधी चुनाव में जरूर सक्रिय होती हैं, सीजनल हैं, बरसाती हैं, वो चुनाव में उनकी उपस्थिति केवल चुनाव तक सीमित है, लेकिन वो तो कैंप गड़ा दी हैं, बोल रही हैं कि 18 मई तक कहीं नहीं जाने वाली, यहीं अमेठी रायबरेली रहेंगी। तो चुनाव है ना जी,
अब तो चुनाव है, लोग प्रश्न पूछेंगे उनसे कि चुनाव के बाद क्या होगा, उनकी उपस्थिति क्या होगी, जो जनता के मुद्दे हैं, जनता के काम हैं, जनता के विषय हैं, उनका समाधान कौन करेगा। तो ये लोग सीजनल लोग हैं और जनता उत्तर प्रदेश की समझ चुकी है, कांग्रेस की पूरी पार्टी कांग्रेस को अब कोई गंभीरता से उत्तर प्रदेश में लेता नहीं और पूरी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से पलायन कर चुकी है। अध्यक्ष जी, एक मेरा सवाल है, सवाल थोड़ा सा बड़ा होगा इसमें, क्योंकि दो तीन सवाल ऐड है। पहले तो जो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी की उसमें से आप लोगों ने मुद्दा निकाला, चूँकि उसमें कहा गया कि संपत्ति का बंटवारा कैसे ये करेंगे, कैसे संपत्तियों का ये पूरा उसकी सूची बनाएंगे, ये एक मामला था। दूसरा, पाकिस्तान में राहुल गांधी के फैंस, वहाँ जो फवाद जो वहाँ के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि नहीं कांग्रेस सरकार आ जाए राहुल गांधी आ जाए, यह बात निकल के आई। अब एक बात तीसरी निकल कर आई है जो प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी एक मीटिंग में कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे और कहीं ना कहीं फिर से बाबरी को हम स्थापित करेंगे। क्या कहेंगे ये जो तीन तीन सवाल निकल कर आए हैं चुनाव में? अब आपने देखा जिस प्रकार का कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है और उसमें मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की छाप स्पष्ट दिखती है। उन्होंने कहा कि विरासत वाले मामले में कुछ संपत्ति राज्य लेगा, कुछ संपत्ति जो विरासत के लोगों को जो विरासत संभाल रहे हैं उन्हें मिलेगी। तो कांग्रेस की हमेशा नीति रही है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिम समाज का है। तो हमारे संसाधन जो हमारी विरासत से वो हमारा हक छीनेंगे, उस विरासत का जो हक छीन के वो किसे देंगे? उन्हें देंगे जिनका देश के संसाधनों पर पहला, उनकी एजेंडे में देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों को है। तो हमारी संपत्ति छीनेंगे, मुसलमानों को देंगे, इसीलिए पाकिस्तान में इनकी प्रशंसा हो रही। और निश्चित रूप से जहाँ तक फवाद चौधरी का, ये लोग पाकिस्तान परस्त लोग हैं। इन्होंने हमेशा देश में सांप्रदायिक आधार पर देश का बंटवारा करने का काम इन्होंने किया। इन्होंने हमेशा समाज में जाति क्षेत्र भाषा के नाम पर विवाद करने का काम किया है। हमेशा ये लोग सनातन के बारे में क्या क्या बोलते रहे हैं, राम मंदिर के विषय में इन्होंने किस प्रकार से कानूनी अड़चन लगाने का काम किया कोर्ट में बाद, और भगवान श्री राम के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। तो आप इनके समर्थक डीएमके के या इनके जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके लड़के सनातन के बारे में और देश में उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को लड़ाने की बात करते हैं, तो ये लोग पाकिस्तान परस्त लोग हैं और जो काम पाकिस्तान नहीं कर पाया इनके एजेंडे में वो सब विषय हैं, और लेकिन देश की जनता इन्हें नकार चुकी है। जी, आपसे एक जवाब भी मैं चाहता हूं। जो राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे, क्या आप लोग होने देंगे? कभी कांग्रेस सरकार आई ऐसा करेगी तो क्या आप होने देंगे? अब ये लोग सपने देख रहे हैं और ये लोग ये कहते थे कि कश्मीर से धारा 370 हट जाएगी तो क्या क्या होगा। कांग्रेस पार्टी घोषणा प्रेस करके राहुल गांधी या कांग्रेस के लोग कहें कि हमारी सरकार आएगी तो हम कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, हम सीए लागू जो हुआ है उसे वापस लेंगे, तो ये कहें तो सही। ये लोग देखोगा पूरे देश ने और पूरे हमारे देश ने मुस्लिम लीग को नकार दिया। हम सब लोग ये मानते हैं कि देश के बंटवारे के लिए इतनी बड़ी संख्या में हमारे हिंदू भाइयों का बंटवारे के समय नरसंहार हुआ उसके लिए मुस्लिम लीग जिम्मेवार है, लेकिन आज भी केरल में कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का गठबंधन है। सर, लालू प्रसाद यादव का एक बयान आता है, कांग्रेस से बढ़ के वो बयान देते हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए। अभी तक ये आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा हो चुकी है, अब जो ये मुस्लिमों का आरक्षण की मांग कर रहे हैं ये कहाँ जाएगा, किसका हक लेगा ये एक आपने देखा होगा एक समाज को गुमराह करने का काम ये कर रहे हैं कि साहब आरक्षण खतरे में है, आरक्षण खतरे में। 10 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार है एनडीए के साथ, आप एक घटनाक्रम बताओ जिस पर आरक्षण को लेकर कोई बात हुई। अगर सरकार के मन में या पार्टी के मन में इस तरह की मंशा होती तो 10 साल से है, लेकिन ये लोग षड्यंत्रकारी हैं, ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं लोगों को गुमराह करके, और इन्हें इनका जो एजेंडा है उसके एजेंडे के आधार पर ये लोग मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। और इनकी राज्य सरकारों ने सरकार में आने के बाद कर्नाटक में तेलंगाना में इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की है। तो ये लोग
इस तरह का टकराव और तनाव पैदा करके समाज में मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, और इन्होंने कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में इस काम को किया है। तो निश्चित रूप से पूरा प्रदेश और पूरा देश इनकी इस मुस्लिम परस्त नीति को जानता है। अतुल जी, आज आप पूरे उत्तर प्रदेश में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, आज तीसरे फेज की वोटिंग शुरू है, मैनपुरी जैसी सीट भी उसमें है, बदायूं भी है, फिरोजाबाद भी है, जहां आपको कड़ी चुनौती मिल रही है। जो 80 का आपने टारगेट बनाया है, तीन फेज की वोटिंग में के आधार पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो भाजपा का लक्ष्य है वो कितना दूर है? नहीं, आज जिस प्रकार से रुझान आ रहे हैं, तो रुझानों के आधार पर हमारी स्थिति बहुत अच्छी है।